फाइनली आज है फिनाले। फिनाले की तैयारी चल रही है। फॉर द लास्ट टाइम मैं रेडी हो रहा हूँ झलक के शूट के लिए और देखते हैं क्या होता है। जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, चाहे हम जीतें या ना जीतें। हर एक चीज़ में जो होता है वो अच्छा ही होता है, अल्लाह की मर्जी होती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और बस पॉजिटिव माइंड से हैं कि जो भी हो अच्छा हो और जो भी फैसला होगा जनता का अल्लाह का वो मंजूर है। यहाँ तक आए हैं, फाइनल्स में खड़े हैं, टॉप फाइव में खड़े हैं। अपने आप में जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत आप सबका प्यार मिला है और इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड यस, बहुत सारी एक इमोशनल सा हो रहा है कि अभी उसके बाद आज के बाद बिल्कुल फिल्मिस्तान नहीं आना होगा, रिहर्सल नहीं होगा, चीज़ें वो मेहनत वो स्ट्रेस अगले हफ्ते क्या करना है, चीज़ें करनी है। बट जो भी रहा, जैसा भी रहा, जर्नी बहुत अच्छी रही है अलहमदिल्ला और बहुत इन्जॉय किया मैंने जर्नी। और डेफिनेटली मैं ये जर्नी ज़िंदगी भर जो है वो याद रहने वाली है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जर्नी रही है। 16 से 30 तक का सफ़र बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट एपिसोड से फिनाले तक का सफ़र बहुत अच्छा था। तो बस देखते हैं अब आखिरी में क्या होता है। फिलहाल रेडी होते हैं फॉर द लास्ट टाइम झलक के शूट के लिए। क्या रहा है सर? चलो जो मन में आया वो बोलते था। आज लड़का फिनाले पहुंच गया। लड़के ने बहुत मेहनत की। तुम तो और हंसाते हो। हम हंसाते हैं। अच्छे लगते हैं। अरे माता जी सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू। आप बिल्कुल मत करना, बहुत बढ़िया होने वाला और बिल्कुल आप है ना, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, कुछ भी हो रहा है आपको आपके दो बेटे हैं स्टेज पे आज, याद रखना बढ़िया होगा। बढ़िया मजे करेंगे आप, तो बस एंजॉय करो। सोलह हफ्ते पहले एक जर्नी शुरू करी थी, इसके आगे जो भी होगा, जो भी आप सबका फैसला होगा, सलाम। तीस मार खान। अगर तो प्रेजेंटिंग द ग्रेट ग्रैंड शोएब इब्राहिम विद अनुराधा। अम्मी पापा सबा और मेरी मदर इन लॉ सासू मां, दीपिका की मम्मी आई हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा आखिरी तक यहाँ आया।
तक आए और ये जगह हमें सबसे ज़्यादा ये जगह की मतलब हम लोग ये जगह नहीं है, बहुत बहुत बड़ी जगह है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जगह इसलिए आने से और बड़ी हुई है, बहुत बड़ी जगह। चोर तेरी मम्मी तेरे से भी ज़्यादा मीठी है। रुचि के रच हुई है, रुचि आपको देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और अपने बेटे को देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक सब लोगों ने पहुँचाया, सबका शुक्रिया। शोएब ने कितनी मेहनत की है वो मैं देखती हूँ, बेचारा टूटा फूटा घर पे आता है। चेंज फर्स्ट डे से और आज तक, सच में जो सब जजेस ने कहा वो दिख रहा है एकदम हीरो माशाल्लाह। गया रे दिल भी गया रे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस अभी घर पे, झलक ओवर, हाँ। 17 हफ्तों की जर्नी, देखो ये भी खाना खा के बैठे हैं जरा, पूरा पानी वानी गिरा के बैठे हैं। 17 हफ्तों की जर्नी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से रिहर्सल जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। एंड पहली बार मैं गया था, एंड और इत्तेफाक की बात यह है कि लास्ट भी मैं ही था, क्योंकि जिस दिन हमारा 29th को हमारा शूट था उस दिन 28th की रात को 12 बजे तक मैं ही रिहर्सल करता था, पर कोई नहीं था। बट यस, आप सबको तो अब तक पता चल ही गया होगा, मनीषा जीती है। बहुत बहुत मुबारकबाद मनीषा को एंड उसके सारे चाहने वालों को। एंड यही बोलूँगा कि हार जीत है, होती रहती है, कॉम्पिटिशन में यहाँ तक मैं आया हूँ और उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, आप सब ने पूरी मेहनत करी है, जिस हिसाब से आपने मुझे पूरा बेशुमार प्यार दिया है इस 17 हफ्तों की जर्नी में। हर हफ्ते सैटरडे को परफॉर्मेंस आया या संडे को परफॉर्मेंस आया, आप लोग शिद्दत से वोट किया करते थे, लेकिन फिनाले में शायद अल्लाह को यही मंजूर था, तो कोई नहीं। आई थिंक हमें हर चीज़ को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड यस, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं फिनाले में खड़ा रहूँ। क्यों फिनाले में खड़ा रहा हूँ? अल्लाह पाक ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी करी है, मैं फिनाले में खड़ा रहा हूँ, मैं टॉप 5 में खड़ा हूँ, मैं टॉप 3 में रहा हूँ। यस, कुछ नहीं, बस कोई नहीं, अभी फिलहाल हम क्या सोच रही हो? हाँ बोलो। कुछ तो देखो, थोड़ा बुरा तो लगता है, ये तो ह्यूमन है ऑब्वियसली। एंड पूरी 17 हफ्तों की जर्नी एंड वो मेहनत एंड इतने करीब आके, यू नो, आपने इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया, इतना ज्यादा आप सबका इतना प्यार मिला कि एक बार भी शोएब बॉटम में नहीं आए, जो yes. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड एज अ डांसर आपने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब फारा मैम का ये कहना कि आपसे वो ये सीज़न याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस मनीषा एंड कंग्रेचुलेशंस आशु। पहली बार जो है आशु का ये एज अ मेन कोरियोग्राफर पहला सीजन है। एंड यस, एंड जब मैंने झलक का सीजन किया था तब वैभव को असिस्ट
आशु ने किया था, तो आशु, वैभव और मैं हम लोग थे, तो कंग्रेचुलेशंस मेरा बच्चा. बट या ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता है. यस ऑब्वियसली ऑब्वियसली ह्यूमन है, थोड़ा सा बुरा तो लगता है. लेकिन बट ठीक है, जैसे होता है कि हर चीज़, जैसा आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसा हम चाहें हर बार हमेशा वैसा नहीं होता है, लेकिन अल्लाह पाक लेकिन वही है कि शायद हम, मैं हमेशा इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, आप में से कई लोग इस चीज़ पर बिलीव करते होंगे कि शायद इससे और कुछ अल्लाह पाक मुझे बेहतर नवाजने वाला है, शायद इसलिए उन्होंने, जो मेरी ख्वाहिश थी फाइनल तक खड़ा होना, सबकी तारीफें, पूरा हीरो बोलना, फरा मैम, मलाइका मैम, अरशद सर, हर एक कोई जिस तरीके से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, पूरा जर्नी रही है मेरी अप्स एंड डाउन की, कभी गिरा हूँ, कभी उठा हूँ, कभी सारी चीज़ें हुई हैं, बट उसके बाद भी यहाँ तक पहुँच के, टॉप थ्री में पहुँच के, अपने आप में आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली बोलूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी बॉडी है ही नहीं डांस वाली. हम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम शूट पर जो डांस करते हैं वो बहुत डिफरेंट डांस होता है, लेकिन जब 2.5 मिनट का आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो बहुत डिफरेंट होता है. तो यस, ये हो गया है. एंड बस थैंक्स बोलूँगा फिर से लास्ट में अनु को, स्पेशली एजे को, तुषार को, रौनक को, एंड राहुल, जिसने मेरा ये फिनाले एक्ट जो है पूरा कोरियोग्राफ किया है, चीज़ें करी है, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू दिल से अनु, एजे, के पूरी 17 हफ्ते मुझे झेलने के लिए. मैं कंप्लीट एक नॉन डांसर था. किस तरीके से, मुझे याद है जब पहला हफ्ता था, मैं वार्म अप करने में भी हाफा करता था, क्योंकि चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बल्की था चीज़ें, बट जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक अच्छी जर्नी रही है, एक काबिल तारीफ जर्नी रही है, और एक बहुत ही यादगार जर्नी रही है. जैसे मैंने पहले ही बोला था अपने झलक के स्टेज पे कि मुझे ये अपनी जर्नी बहुत ज़िंदगी भर के लिए बहुत यादगार बनानी है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ मिल जाना है, तो ये जर्नी मेरी वैसी ही बनी है बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ. एंड यस, हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, अनु, एजे, तुषार, रौनक, हम लोग मिलते रहेंगे. थैंक यू BBC, सोनी TV, मुझे मौका देने के लिए, कि जैसे कि मैंने कहा था कि झलक में आना हर एक का सपना होता है, वो मैं अपना सपना पूरा कर पाया आके, और यहाँ पे आने के बाद एक अलग सपना जो है वो मुझे पूरा करना था, बट वो शायद नहीं हो पाया, लेकिन आई एम श्योर जर्नी बहुत अच्छी रही है, और तुम भी प्राउड होगी मुझ पे. यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मतलब जब भी आप एक रियलिटी करो, देखो रियलिटी में जीतना किसी एक नहीं होता, ये बात तो तय है, लेकिन जो मैटर करता है एज एन आर्टिस्ट, कि आप जब लुक बैक करो और जब उस जर्नी को याद करो ना, तो आपको खुश होना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप झलक को बहुत खुशी से याद करोगे, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वहां का हर एक इंसान, चाहे वो यूनिट वाला कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्शन, चैनल, जजेस, योर को आर्टिस्ट, एवरीबडी जस्ट लव्स यू. तो वो पूरी वाइब, वो पूरा देख के, वो बहुत, मुझे बहुत ऐसे बहुत प्राउड और बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि शोएब इज लव्ड बाय सो मेनी. आप लोग तो करते ही हैं, वहां पे भी ही वॉज लाइक द लाडला लास्ट डे पे, वो पूरा ऐसे फील हुआ, वेरी स्वीट. 5 महीने बिल्कुल एक घर जैसे, एक फैमिली जैसे बन गए थे फिल्मिस्तान में. तो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी. एंड लास्ट में स्पेशल थैंक्स आप सबका, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, है ना, जिस तरीके से आप सबने पूरी जर्नी में सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, आपने वोट्स किए हैं, आपने झलक देखा है, आपने वोट अपील करी है, स्पेशली मौदाह वाले, जो मैं बोलना चाहूँगा कि यस, मौदाह मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे सब इतनी शिद्दत से लगे हुए थे, हर जगह शिद्दत से लगे हुए थे, पूरे इंडिया में हर एक कोने से लगे हुए थे, बट मौदाह में जिस तरीके से मैंने चीज़ें देखी हैं इस बार, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. यस, मौदाह ट्रॉफी नहीं लेके आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी मैं आऊँगा मौदाह बिना ट्रॉफी के, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा और आप सबसे मिलूंगा इंशाल्लाह. कोशिश करूँगा कि पर्सनली मैं सबसे मिल सकूँ, आपको पर्सनली थैंक्स बोल सकूँ मैं सबको, और सनी के लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि उसने यहाँ पे रह के जिस तरीके से उसने मेहनत की अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करना, पर्सनली सारी चीज़ें, कि ऐसा 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 वोट करना है, इससे करवाओ, उससे करवाओ, लगो पूरे मौदाह में वो एक माहौल बनाना पूरा, तो पूरी तरह से लगा हुआ था कि जब जैसे ही करके, और जब अनाउंस होने वाला था उससे पहले जब हम लोग बैठे थे ना, तब जो हालत उसकी भी हो रही थी, इट्स वेरी वेरी स्वीट. यस, बस यही कि शुक्रिया हर जगह से, जमशेदपुर से, दिल्ली से, केरला से, हर जगह से, मेरे पास जहाँ जहाँ मैंने मैसेजेस देखे हैं ना, अपना हरियाणा से भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सबके, तो कहीं हो सकता है कई जगह में भूल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने देख पाया हूँ, मैंने किया है, उसके लिए सबसे बहुत, जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया. एंड फाइनली ऑफिशियली अब झलक जो है वो ख़त्म हो गया है. मिस बहुत कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं सच में. एंड अभी यार 5 महीने आपका एक रूटीन बन जाता है, आप रोज सुबह उठ के वहां जाते थे, वो रिहर्सल हॉल, अच्छा अब क्या करना है, हर हफ्ते की एंग्जाइटी, ये वो हर चीज, तो मिस करोगे. यस, तो कोई नहीं,
अभी हो गया, अब इंशाल्लाह कुछ दूसरा होगा। फिलहाल तो हम दुबई की तैयारी कर रहे हैं, दुबई हमें जाना था, हम एनिवर्सरी में जाने वाले थे लेकिन एक हफ्ते झलक जो है वो एक्सटेंड हो गया तो फिर हमने बाद में किया है। तो अभी हमें निकलना है आज अभी अर्ली मॉर्निंग दुबई के लिए, तो अभी अर्ली मॉर्निंग अभी रात में 11:30 बजे। हाँ मतलब तो अब बस अब इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे, कोशिश यही रहेगी कि अब थोड़ा रेगुलर एटलीस्ट हफ्ते में 2 व्लॉग्स तो मेरे जा सकें, 2-3 तो मैं जा सकें, कोशिश करेंगे। और दुबई अभी जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं निकाल सकूँ। तो यस एंड थैंक यू एवरीबडी फिर से पूरे 5 महीने की जर्नी में मुझे सपोर्ट करने के लिए, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको खुश रखे। तैयारी करते हैं तो हो गए हम लोग सब रेडी, हो गए तैयारी, इसका पहला ट्रिप है, ये पता नहीं कैसे मैनेज करेगा नहीं करेगा फ्लाइट में, फर्स्ट टाइम इसका, इस टाइम ये सोने का टाइम है इसका। हेलो ठीक है जा रहे हो? हाँ कब आऊँगा? 10 को 10 तारीख 10 को। हाँ ठीक है ध्यान रखना। ठीक है ठीक है अल्लाह हाफिज़ बाय ध्यान रखना पापा का फिर। अच्छा हाँ मैं आ जाऊँ फिर तुम घर जाना ठीक है? चलो ठीक है पापा ध्यान रखना। हाँ जल्दी से हंस देती हो ना ऐसे, पहले ऐसे आ रही थी जैसे क्या चलो खुदा जा आ रहा हूँ ठीक है, एक हफ्ते में आ जाऊँगा ठीक है, खुदा हाफिज। दीपिका भी आ रही है अभी, बाय बेटी, अल्लाह हाफिज। और फिर हम लोग निकल गए तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अब दुबई के व्लॉग्स में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।